पाकिस्तान में हो रहे SCO संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की बैठक के लिए सदस्य देशों के उच्चायुक्त इस्लामाबाद में हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। उनकी ये यात्रा 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा है, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। जयशंकर इससे पहले 2015 में पाकिस्तान गए थे, तब वह बतौर विदेश सचिव पड़ोसी मुल्क पहुंचे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनका स्वागत किया। इससे पहले 15 अक्टूबर को जैसे ही नूर खान एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के विमान से विदेश मंत्री उतरे, उनके स्वागत के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी इलियास निज़ामी आगे बढ़े और गर्मजोशी के साथ जयशंकर को रिसीव किया। उनके स्वागत के लिए पाकिस्तान के बच्चे भी आए थे, जिन्होंने उन्हें बुके दिया, जिसकी तस्वीर जयशंकर ने अपने एक्स पर भी डाली है। एयरपोर्ट से एस जयशंकर को काली मर्सिडीज़ कार से ले जाया गया, जिस पर भारतीय तिरंगा लगा था। 15 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से सभी उच्चायुक्तों के लिए डिनर रखा गया, जहां एस जयशंकर का स्वागत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया। पिछले कई सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक दूसरे से भिड़ते रहे हैं। 2019 के पुलवामा हमले और 370 हटने के बाद ये रिश्ते अपने निचले स्तर पर पहुँच गए हैं। SCO समिट में जयशंकर की पाक यात्रा ने इन रिश्तों को सुधारने के लिए एक उम्मीद जगाई है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलूच ने कहा, वे पाकिस्तान के मेहमान हैं। पाकिस्तान ने उन सभी नेताओं का स्वागत किया है जो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं, और पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री के साथ साथ सभी मेहमानों के लिए अपनी मेहमान नवाजी दुनिया को दिखा रहा है। आपको ये रिपोर्ट और एस जयशंकर की जिस तरीके से खातिरदारी पाकिस्तान में हुई है, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।